तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में फिर एक बार हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। आपके बीच में जितने भी वीडियोस जा रहे हैं, खासकर वो जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर, जो है जैसा कि देख सकते हैं लिखा जा रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। हालांकि ये जो आंकड़ा आपके बीच में है, मैं पहले ही आपके बीच में प्रसारित कर चुका हूं या दे चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। देख सकते हैं ये टोटल आंकड़े के बारे में आपको पता है कि 3,54,904 अभ्यर्थियों ने टोटल आवेदन किया है अब की बार, ठीक है। यानी इतने रजिस्ट्रेशन आपके हुए हैं और आपके यहाँ सीटों की संख्या कितनी है, 2,33,350 टोटल सीटें हैं, जो कि इतनी सीटों पर आपके प्रवेश की प्रक्रिया जो है वो चल रही है ना। अब इतनी सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया फाइनली चल रही है, लेकिन आपके कुछ डाउट्स लगातार बन रहे थे कि भैया आखिरकार क्या है, कैसे है। अब कुछ लोगों के अभी मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको कहा था कि हम 50,000 में आपका कंप्लीट एडमिशन कराएंगे। अभी एक महोदय व्हाट्सएप पर हमसे उनसे चैट हो रहा था, ठीक है, अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। ऐसे ऐसे लोगों को देखने के बाद बड़ी हंसी आती है कि लोग कैसे कैसे आए हुए हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप देखिएगा, आप भी हंसेंगे, है ना। वो हमसे प्रूफ मांग रहे थे कि भैया क्या गारंटी, हमने आपसे कहा, ठीक है, हालांकि मांगने का अधिकार भी आपका है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 50,000 मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या गारंटी है कि आप हमसे 50,000 ही लेंगे और उससे अलग नहीं लेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है पूछना सही है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या कुछ दिक्कतें थी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आप थोड़ा सा धैर्यता का परिचय दीजिएगा। अभी तक यार जितने लोगों का एडमिशन हुआ, जितना मैं करवाया हूँ, ठीक है, किसी से 1 रुपया एक्स्ट्रा मैं नहीं लिया हूँ। थोड़ा सा उनकी बातों को सोचकर मुझे हंसी आ रही है ना। अभी आप देखिएगा, हालांकि उनके फोटोज को हमने ब्लर कर रखा है, आप देख नहीं पाएंगे, नहीं तो होता नहीं कि प्राइवेसी लीक होती है, ये काम मेरा नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, है ना। देखिए कहा जा रहा 2,33,350 सीटें हैं। अब यहाँ रैंक कार्ड आप हमसे कह रहे थे कि भैया थोड़ा सा रैंक कार्ड हमको दिखा दीजिए कि रैंक कार्ड कैसे होता है, क्योंकि अब की बार हमारे बीच में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा आए हुए हैं, ऐसे में उनको इसके बारे में अभी पता नहीं कि रैंक कार्ड कैसा होता है, रैंक में क्या कुछ चीजें दिखती हैं, ठीक है। हम आपको ये चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए कहा जा रहा है कम मेरिट वालों पर संकट, ठीक है, क्या ये वाकई में यार ऐसा है कि जिनके मेरिट कम है उनके ऊपर समस्या खड़ी हो सकती है, उनका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। और यहाँ फॉर्म करेक्शन और रिजेक्ट की चर्चाएं जोर शोर से हैं कि अब तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है, क्या अब जो है एक डेट आएगी जिसमें हम अपने फॉर्म को करेक्शन कर पाएंगे। भाई थोड़ा बहुत जो त्रुटियां कर दिए हैं, हमने भी सोशल मीडिया पर देखा, लोग आपको संशोधन का जिक्र करवा रहे हैं कि संशोधन इसमें हो सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है, संशोधन होगा या नहीं होगा, ठीक है। फैक्ट चीजें मैं आपको बताता हूँ, कोई इधर उधर नहीं, कोई नाजायज बातें नहीं, अपने डायरेक्ट मुद्दे पर मैं आता हूँ, ठीक है, रुकिएगा। आगे कहा जा रहा है काउंसलिंग पर सचिव जी का बयान क्या है, आपकी काउंसलिंग कब से हो सकती है। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ फोटोज इसके संदर्भ में है जो कि मैं लगातार बात कर रहा था, देख लीजिए। अच्छा, इनका पहलवान आ गया, ठीक है, देख सकते हैं। इन्होंने कहा मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, यूपी डीएलएड में हमें एडमिशन लेना है, तो आप कितने में करवा देंगे। हमने इधर देखिए रिप्लाई दिया, भैया 50,000 में हम करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा, हाँ ठीक दिख रहा है, ठीक है, देखिएगा। इन्होंने हमने कहा भैया 50,000 में हम आपका करवा देंगे, ये देख रहे हैं इसकी क्या गारंटी है कि आप मुझसे 50,000 के बाद नहीं मांगेंगे। बिल्कुल सही है, पूछना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आपका कॉलेज है या किसी और के कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। हमने इन्हें डायरेक्टली मना किया कि भैया आप मत करिए, ठीक है, क्योंकि यार एक चीज मैं जानता हूं कि मैं अपना स्वाभिमान बेचकर काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपके बीच में आया हूं, लेकिन कभी मैंने 1 रुपए की डिमांड आपसे नहीं किया। मैं लगातार यहां से पीएनपी तक विजिट करता हूं, ठीक है, जाता हूं आता हूं, मेरे जेब से खर्च होता है, ठीक है, लेकिन कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप मुझे पैसा दीजिए तब मैं जाऊंगा, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, है ना। तो देखिए कहा जा रहा है इनको यूट्यूब लिखने का ढंग नहीं है, हालांकि भैया आप देख रहे होंगे तो आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ये आप कोई जान नहीं पाएगा कि आपका ही है, ठीक है, मैं क्षमा चाहूंगा या जिनका भी होगा, है ना।
इतना लंबा क्यों फेंकते हो, 50 के में करा देंगे, 50 के में अरेंजमेंट एग्रीमेंट बनाकर देंगे क्या, ठीक है तो एडमिशन ले लेंगे। मैंने कहा नो, मैं आपका एडमिशन नहीं करवा सकता, ठीक है। और ये अगर हमें 70,000 भी देंगे ना, तब भी मैं इनका एडमिशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। कह हमने यहां देखिए इनको जवाब दिया, लेटर पैड पर लिखकर तो देता हूं, लेकिन उस पर जो है कॉलेज के सिग्नेचर भी होती है और मोहर भी होती है, ठीक है, बट आपका एडमिशन मैं नहीं करवा पाऊंगा, सॉरी, ठीक है। ये देख लीजिए, क्योंकि मैं पहले भी आपसे बताया कि मैं अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए कदाप ये चीजें मैं बिल्कुल, आप आइए कॉलेज, जितने लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप आइए, मैं आपको लेटर पैड पर प्रूफ सहित दूंगा कि मैं आपसे 50,000 से अलावा नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ उसमें बाध्यताएं हैं जो मैं लगातार आपसे बताता हूं, वो मैं आपसे लेना, वो हर हाल में मुझे लेना पड़ेगा 50,000 के अलावा, ठीक है। तो वो क्या है, कैसे, मैं इस मंच पर नहीं बता सकता, आपको जानना है तो आप हमसे संपर्क करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट इनका एडमिशन तो मैं अब नहीं करवा पाऊंगा। बाकी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो मैं जानता हूं मुझे ये गालियां जरूर देंगे 100%, ठीक है, भले ही कमेंट बॉक्स में ना दे लेकिन वो जरूर मुझे देंगे, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहरहाल चलिएगा, देखिएगा यहाँ कहा जा रहा है, ये सुबह की पेपर कटिंग है, जो है डीएलएड के लिए 3,26,000 आवेदन आए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024 प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि पिछले दिनों बढ़ा दी गई थी, 22 अक्टूबर तक 3,54,900 4 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, 3,26,000 छात्रों ने फीस जमा की, यह अब अभ्यर्थी जो है 25 अक्टूबर तक दस्तावेज जो अपलोड करके आवेदन का प्रिंट ले सकते हैं। डीएलएड में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव ऑनलाइन आवेदन का लिंक 18 सितंबर को जारी किया था, इसके आवेदन 9 अक्टूबर तक ही लिए गए थे, ठीक है। ये चीजें तो छोड़िए इनको, आप हमसे स्टेट रैंक का जिक्र कर रहे थे कि भैया स्टेट रैंक कैसी होती है, देख लीजिएगा सबसे ऊपर यहाँ लिखा जा रहा है स्टेट रैंक, इन महोदय की स्टेट रैंक जो है वो 1,07,063 इनकी स्टेट रैंक है, ठीक है। योर स्टेट रैंक बेस्ड ऑन मार्क एज गिवन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हाई स्कूल का है, इंटरमीडिएट का है और इनका ग्रेजुएशन का, ठीक है, इन तीनों के आधार पर इनकी जो रैंक बनी हुई है यही है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं अब इनको जो दक्षिणा देना है, ठीक है, क्लिक हेयर टू पे सीट अलॉटमेंट फीस चॉइस फिलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो 5,000 रुपए का पेमेंट नहीं, सेम प्रक्रिया जो पहले थी वो भी है, कहा जा रहा प्रवेश के समय आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लाना आवश्यक है, आवेदन के संबंध में गलत प्रविष्टियों के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे, इस मामले में प्राधिकरण को कानूनी कार्यवाही करने और उम्मीदवार को प्रवेश रद्द करने का अधिकार है, ठीक है। ये चीजें आप देख लीजिएगा, इसमें कहा जा रहा है भाई अगर आप गलत चीजें फिलअप किए हैं, ठीक है, तो आपका प्रवेश रद्द भी हो सकता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग अभी हम सोशल मीडिया पर हम भी थोड़ा सा यूट्यूब देख रहे थे, किसी का कोई लिंक हमारे पास भेजा था ये फॉर्म संशोधन को लेकर, तो वो महोदय बता रही थी कि ये चीजें सही हो जाती हैं, ठीक है, एफिडेविट वगैरह लगाकर, बिल्कुल हम मानते हैं सही हो जाती हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका सही ही हो जाएगा, है ना। ये अगर कोई दावा कर दे मैं 100% आपका सही करवा दूंगा तो मैं उन्हें इनाम दे दूंगा, ठीक है, कोई ये गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन हाँ एफिडेविट वगैरह लगाकर भाई थोड़ी सी डाइट की सहूलियत होती है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख करके सही कर लिया जाता है, ये अलग का मामला है, लेकिन कोई विथ प्रूफ के साथ ये नहीं कह सकता कि हम आपका सही करवा देंगे। लोग पैसे के लिए भले कह दें कि यार हम आपका डाइट से सही करवा देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप जहां भी एडमिशन लीजिएगा भैया थोड़ा सा समझ बूझ कर लीजिए, अगर थोड़ा बहुत कुछ गलतियां होगी, ठीक है, वो तो सही हो जाएगा, लेकिन बड़ी बड़ी गलतियां जैसे आपके हाई स्कूल के मार्क में ज्यादा अंतर आ रहा है, 150 नंबर का अंतर आ रहा है, तो आप एडमिशन मत लीजिएगा, ऐसे में आप एडमिशन पर खतरा है। अंतर का मतलब यह है कि जितना नंबर आपने फॉर्म में डाला आपका रिजल्ट उससे ज्यादा आएगा तब तो हो जाएगा, लेकिन जितना नंबर आपने डाला उससे कम नंबर अगर आपके रिजल्ट में आए तो एडमिशन आपका नहीं होगा, हो जाएगा, लोग कर देंगे लेकिन एडमिशन 100% कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई करेक्शन इसमें होता ही नहीं है, ठीक है, कोई करेक्शन इसमें फॉर्म में होता नहीं है। और यहाँ फॉर्म रिजल्ट का जहां तक सवाल है, रिजल्ट कहां से होता है, रिजल्ट आपके डायरेक्ट से ही होता है, ठीक है, जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हमारे यहाँ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो है जमा तो नहीं करते हैं बट आप जब एडमिशन करवा लेंगे, एडमिशन के बाद आपसे हम डिमांड करेंगे भैया इस डेट में आप आ जाइए, हम आपका वेरिफिकेशन करवा के तुरंत आपके हाथों में सौंप देते हैं, ठीक है, तो आपको आना पड़ेगा, आप वेरिफिकेशन करवाइए, वेरिफिकेशन करवाने के बाद अपना डॉक्यूमेंट्स आप लेकर चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
बाकी यहां तक की चीजें मैं मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी रैंक कार्ड को आपने देख लिया, रैंक कार्ड कैसे होता है, रैंक कार्ड आपका लगभग 28 तारीख को आ जाएगा, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए जो लोग कह रहे हैं कि कम मेरिट पर एडमिशन, यार ऐसा कुछ नहीं है, अगर इतने आवेदन हुए हैं ठीक है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह भी आपको बताया था, आश्वस्त किया था कि भैया एडमिशन सबका होगा, ऐसा नहीं कि अगर आवेदन ज्यादा आ गए हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो मेरिट है ठीक है, हर बार अगर इतनी मेरिट जाती थी तो अब की बार ये जो रेखा मैंने इस तरह से खींचा ये आपका सीधा हल्का सा हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, यानी मेरिट में उछाल आना बिल्कुल लाजमी, क्योंकि जब आपकी संख्याएं होंगी, भाई हमको बाहर भी तो करना है, मुझे बताओ 10,600 सीटें हैं, अब अगर हम सबका एडमिशन डायरेक्ट में देंगे तो ये पॉसिबल थोड़ी ना हो पाएगा, मुझे बाहर करना है ठीक है, तो इसलिए हमको मेरिट में कहीं ना कहीं उछाल लाना होगा, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जैसा भी होगा मैं चैनल पर आप सभी को बता दूंगा, है ना। बाकी अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कम मेरिट है ठीक है हमारा नहीं होगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत रहो, अगर आप मेरे संपर्क में आए हो तो मैं दावा करता हूं आपका एडमिशन मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है। इतनी गारंटी कोई लेता होता नहीं होगा, ठीक है। हालांकि अगर आपकी मेरिट जो है 150 भी होगी, ठीक है 150 भी होगी तब भी मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा वैसे, बट पीएनपी का जो ये रैंक कार्ड आएगा इसमें आप एलिजिबल होने चाहिए, ठीक, ऐसा ना हो कि पता नहीं आप एलिजिबल ही ना हो, मैं कह भले रहा हूं ठीक है, बट अगर आपकी एलिजिबिलिटी होती है तो मैं आपका एडमिशन 100% कराऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। जहां मैं करवाता हूं, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया था कि फिरोजाबाद में मेरा एडमिशन प्रोसेस चलता है 50,000 में, ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो यहां संपर्क करिएगा, मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, लिखिएगा 94-52-33-10-53, ये कॉन्टेक्ट नंबर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। बाकी यहां अब हम जो है इस पर काउंसलिंग के बारे में आप लगातार पूछ रहे थे, काउंसलिंग के बारे में जब बात किया गया तो इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अभी भी 28 तारीख का ही ये जिक्र कर रहे हैं कि 28 तारीख को आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है, अभी संभावना जाहिर की जा रही है, वैसे प्रबल की बातें इन्होंने कहा है कि 28 तारीख तक हम रैंक कार्ड आपका जारी कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा भैया, हो सकता है 1-2 दिन इधर उधर चला जाए लेकिन बहुत ज्यादा का फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लास्ट जाते जाते आपका कम से कम ये रैंक कार्ड तो आपको देकर ही जाएंगे, ठीक है, बीच में दीपावली वगैरह है, ठीक है, बहरहाल आप परेशान मत होइएगा, है ना, जो भी होगा वैसे जो भी संभावनाएं हैं मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा। बाकी अगर और भी आपको जानकारी किसी भी तरह की चाहिए तो यहां देख सकते हैं मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, आप कॉन्टेक्ट नंबर पर भी हमसे जो है बात कर सकते हैं, या आप अगर एडमिशन आपको चाहिएगा ठीक है तो आप मुझे व्हाट्सएप माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपको यहाँ के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लोग तमाम तरह की भ्रामक तरीके से आपको चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनसे सावधान रहिएगा, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में इस चीज के भुक्तभोगी आप खुद होंगे, आए दिन ये चीजें देखने को मिलते हैं। बहरहाल इस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके हैं, भैया अदर स्टेट वाले खासकर सावधान रहें, ठीक है, बाकी आपकी क्या मर्जी है कैसे करते हैं वो आप जाने, लेकिन हम आपको लगातार आगाह कर रहे हैं, ठीक है, कि आप सभी चीजों से सावधान रहें। आप कहते हैं कि आपके कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, बिल्कुल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 100% जो है सारी चीजें फैक्ट है, आपको विश्वास नहीं है ठीक है तो आप कॉलेज विजिट कर लीजिए, या हम आपको प्रत्येक ऑप्शन बताते हैं कि आप जो है साइड के माध्यम से अपनी काउंसलिंग कर लीजिए। आप कह रहे थे कि भैया काउंसलिंग कराना अनिवार्य है या नहीं है, ठीक है, काउंसलिंग कराना बिल्कुल अनिवार्य है, आप काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लीजिए, डेट आउट सॉरी ये जो सीट बुकिंग की समस्या, ये सीट उट बुक मत करिए आप, ठीक है, बुक करेंगे तो आप इसके भुक्तभोगी होंगे, ठीक है, हालांकि वो भी आपका काउंसलिंग करेंगे, ऐसा नहीं है उसमें दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा इनके जो फीस लेने के तरीके हैं, तौर तरीके होते हैं, ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी आप जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहा होगा आप हमसे जो है व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको एडमिशन चाहिएगा तो व्हाट्सएप पर अपना डाटा यानी आवेदन स्लिप आप मुझे भेज दीजिएगा, जब एडमिशन शुरू होगा तो उस वक्त हम आपसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।